दैट इज़ ऑटोट्रॉनिक। यहाँ पर हमारा जो वर्ल्ड इंडिकेट करता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम का यूटिलाइजेशन सभी व्हीकल्स में, तो ये हमारा टर्म जो कहलाता है वो ऑटोट्रॉनिक कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोट्रॉनिक, यहाँ पे जो टॉपिक लिया गया है ये आपका ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है इसका, ऑटोट्रॉनिक दैट इज़ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी बेसिक डिफिनेशन की कंटेंट की आगे बढ़ते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपको पता ही है, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्राइज द फिजिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन दैट डील्स विद इमिशन फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम एंड मैटर। दैट इज हम लोग जिसमें कि आईसी यूज़ करते हैं, ये सब हमारा आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या आता है। मॉसफेट यूज़ करते हैं, माइक्रोप्रोसेसर यूज़ करते हैं, तो दीज आर द एक्चुअली कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जो कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इनका यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स में, यानी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स आर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूजेस इन व्हीकल्स इंक्लूडिंग इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग आगे उसको फर्दर पढ़ेंगे, दैट इज़ इंजन मैनेजमेंट। इंजन हमारा या मोटर जो है इज़ अ मशीन जो कि डिज़ाइन है इस हिसाब से कि कन्वर्ट करे फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और हीट इंजन लाइक आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा हीट इंजन्स के बारे में, लाइक द इंटरनल कम्बशन इंजन बर्न अ फ्यूल टू क्रिएट अ हीट विच इज़ यूज टू वर्क, दैट इज़ अ वर्क ऑफ इंजन मैनेजमेंट। इग्निशंस के बारे में, इग्निशन सिस्टम जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें इंजन के अंदर। रेडियो, रेडियो इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ यूजिंग रेडियो वेव्स। कंप्यूटर कैप्चर्स, ये आप देख सकते हो, यह दिस इज़ अ कैप्चर इज़ अ कंप्यूटर विद स्पेशलाइज्ड टू रन अ इन अ कार के अंदर होता है, सच एज अ कॉम्पैक्ट साइज है, लो पावर है रिक्वायरमेंट एंड सम कस्टमाइज कंपोनेंट्स। टेलीमेटिक्स का यूज़ करते हैं, टेलीमेटिक्स हमारा एक इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है दैट इनकंपस टेली कम्युनिकेशन और इन कार इंटरटेनमेंट सिस्टम। आप देख रहे हो कि अगर कार है और उस कार के अंदर इंटरटेनमेंट सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कोशिश करते हैं रखने के लिए, जिससे कि पर्सन को काफ़ी अच्छा फील हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्क्रीन पर किस तरह से जो आपकी सीट है वहाँ पर भी डिस्प्ले सिस्टम होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब हमारा ऑटोट्रॉनिक्स पोर्शन के अंतर्गत आता है। इन अ कार इंटरटेनमेंट या इन व्हीकल इंफॉर्मेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन ऑटोमोबाइल। क्योंकि बार बार यही बात की जा रही है ऑटोट्रॉनिक, यहाँ पर बेसिकली हमारा ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की पकड़ मजबूत हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे कि चीज़ें जो थोड़ी सी एडवांस हो जाए। तो यहाँ पे आप वही बात की जा रही है, इन कार इंटरटेनमेंट पोर्शन की बात करें दिस इज आईसीई या इन व्हीकल इंफॉर्मेंट। एक्चुअली क्या है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन ऑटोमोबाइल्स दैट प्रोवाइड्स ऑडियो और वीडियो इंटरटेनमेंट। अगर कार है तो कार में ऑडियो वीडियो सिस्टम जो होते हैं आप लोग इन इंटरटेनमेंट पर्पज़ से यूज़ करते हो उसके बारे में बात की जा रही है। इन कार इंटरटेनमेंट ऑरिजिनेट विद कार ऑडियो सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ रेडियोज एंड कैसेट्स या सीडी प्लेयर्स एंड अदर सिस्टम भी यूज़ करते हैं। इग्निशन इंजन एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स आर आल्सो फाउंड इन ट्रक्स में, मोटरसाइकिल्स में, ऑफ रोड व्हीकल्स में और अदर इंटरनल कंबशन पावर्ड मशीनरी सच एज अ फोर्कलिफ्ट्स, इसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं फोर ट्रैक्टर्स, एक्सकवेटर्स, दीज आर द एक्सकवेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइजेशन किया जाता है। रिलेटेड एलिमेंट्स फॉर कंट्रोल ऑफ द एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आर आल्सो फाउंड ऑन हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा आपने हाइब्रिड के बारे में, हाइब्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड है जो कि फ्यूचर में आप बहुत सी टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड वर्ल्ड यूटिलाइजेशन करेंगे। हाइब्रिड व्हीकल यूजेस टू और मोर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ पावर जैसे सच एज सबमरीन्स दैट यूजेस और फॉर दैट यूज डीजल व्हेन सरफेस एंड बैटरीज आर सबमर्ज्ड एंड इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स ऑटोमोटिव जो हम बात करें ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में दैट इज़ इलेक्ट्रिक कार इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिक कार में क्या है, इलेक्ट्रिक कार इज़ एन ऑटोमोबाइल दैट इज़ प्रॉपर्ड बाई वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स यूजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन रिचार्जेबल बैटरीज के थ्रू जो होता है ये वर्क करता है।
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैव बिकम अ इंक्रीजिंग लार्ज कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल फ्रॉम ओनली अराउंड 1% ऑफ इट्स वैल्यू इन 1950 एंड अराउंड 30% इन 2010 तक. जो मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार, दिस इज द मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार, रिले ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स टू द कंट्रोल और कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स टू द कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. जिसका फॉर द मेन प्रपल्सन मोटर एज वेल एज मैनेजिंग द बैटरी सिस्टम. बैटरी सिस्टम जिसे हम लोग BMS शॉर्ट में बोलते हैं. और फ्यूचर ऑटोनोमस कार्स, दिस इज योर जो बेस्ट एग्जांपल है आपका ऑटोट्रॉनिक का, दैट इज़ योर ऑटोनोमस कार. आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज़ द सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑल्सो नोन एज अ ऑटोनोमस कार. यानी ऑटोनोमस व्हीकल या ऑटोनोमस कार हम लोग जो यूज़ करेंगे वर्ड, वो यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी की बात की जाएगी, जो कि कनेक्टेड एन ऑटोनोमस व्हीकल CAV या ड्राइवरलेस कार या रोबो कार या रोबोटिक कार व्हीकल्स एंड फुली ऑटोमेटेड व्हीकल्स इन द यूरोपियन यूनियन इज अ व्हीकल ऑफ कैपेबल ऑफ सेंसिंग इट्स इन्वॉल्वमेंट एंड मूविंग. तो आप यहाँ देखते हो इसकी जो एबिलिटी है सेंसिंग, खुद से ट्रैक को डिटेक्ट करना और उस ट्रैक को फॉलो करने का, कि उस क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे सेंसर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं. और बेसिकली जैसे बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जो हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इसके अंदर, इसको और एडवांस करने से ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो अपना पाथ को ऑक्यूपाई करेगी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसके कंटेंट्स हम लोग आगे देखते हैं कि उस हमारे पास क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. इसमें बेसिक हिस्ट्री हो गई ऑटोट्रॉनिक्स को यूटिलाइजेशन करने से रिलेटेड, और इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, चेसिस इलेक्ट्रॉनिक, पैसिव सेफ्टी सिस्टम, ड्राइवर असिस्टेंस, पैसेंजर कंफर्ट, इंटरटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड कॉकपिट सिस्टम, फंक्शन सिस्टम, फंक्शन सेफ्टी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी. दीज आर द बेसिक कंटेंट जो कि हम लोगों को पढ़ना है, जो जिससे कि हम लोग ऑटोट्रॉनिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे और उसको समझ सकेंगे कि ऑटोट्रॉनिक्स बेसिकली है क्या. तो सबसे पहले बेसिक हिस्ट्री की बात करते हैं. तो जैसे कि हिस्ट्री अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पता है कि द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अवेलेबल एज अ फैक्ट्री इंस्टॉलेशन वर वैक्यूम ट्यूब कार रेडियोस स्टार्टिंग इन द अर्ली 1930. यानी 1930 में जो होता सबसे पहले कार के अंदर जो है वो रेडियो सिस्टम यूज़ किया था, जो कि वैक्यूम ट्यूब कार रेडियो सिस्टम जो था वो इस तरह का वैक्यूम ट्यूब जो होता है इस तरह से होता है. और इस द इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब वॉल और ट्यूब इज़ अ डिवाइस दैट कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ हाई वैक्यूम बिटवीन इलेक्ट्रोड्स टू विच एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ बीन अप्लाइड. दिस इज़ अ वैक्यूम ट्यूब का यूटिलाइजेशन है, जो कि सबसे पहले यूज़ किया था वैक्यूम कार रेडियो, जो कि स्टार्ट हुआ था 1930 में. और आज आप देख सकते हैं कि म्यूजिक सिस्टम किस लेवल पर हमारे कार्स के अंदर बढ़ गया है. द डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ग्रेटली एक्सटेंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन ऑटोमोबाइल. तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन जो है वो यूज़ होने लगे थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से. और विद सॉलिड स्टेट डायोड हम लोग यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स. जो कि क्या करता था, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो था इसका मतलब होता है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स यूजिंग सेमी कंडक्टर डिवाइस सच एज ट्रांजिस्टर्स, सॉलिड स्टेट डायोड्स हो गया, दिस इज अ सॉलिड स्टेट. और नेक्स्ट है डायोड. जो डायोड हम लोग यूज़ करते हैं, डायोड एक हमारा एक दो टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, जो कि कंडक्ट करता है करंट को प्राइमरी इन वन डायरेक्शन में. डायोड काम क्या है, डायोड जो होता है वो टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो कि कंडक्ट करता है करंट को प्राइमरी इन वन डायरेक्शन में. तो यहाँ पे इस तरह से ये डायोड होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो. मेकिंग ऑफ द ऑटोमेटिव अल्टरनेटर स्टैंडर्ड आफ्टर द अबाउट 1960 एंड ट्रांजिस्टर इग्निशन सिस्टम जो था वो स्टेबलाइज हुआ था. दिस इज़ अ ट्रांजिस्टर इग्निशन सिस्टम
जो कि अपेयर होता है 1955 में। तो धीमे धीमे क्या हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट होता गया। उसके बाद हम लोग ने मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यूज़ करने लगे, दिस इज द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यूज़ होने लगा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर धीमे धीमे डेवलपमेंट होने के बाद मॉसफेट यूज़ करने लगे, दैट इज़ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इन इफेक्ट ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो। फिर फर्दर डेवलपमेंट इस पर काम होता गया। फिर डेवलपमेंट MOS इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC से आ गया वर्ल्ड, दैट इज़ MOS IC यूज़ होने लगा। चिप्स एंड माइक्रोप्रोसेसर मेड फॉर रेंज फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशन इकोनॉमिकली फीजिबल इन द 1970 तक क्या हो गया, इस तरह से डेवलपमेंट चलता गया। उसके बाद और टेक्नोलॉजी आती गई और इस तरह से आज के ज़माने में हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कार है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन ज़्यादा है। अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स मॉडर्न हाई कैपेबल, दैट इज़ इलेक्ट्रिक कार, जो कि फ्यूचर में बहुत तेज़ी से यूज़ होने वाली हैं और इस हर जगह इलेक्ट्रिक कार का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। लिथियम आयन बैटरी बेस्ड जो है, आप देख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी जो हमारी किस तरह से लिथियम आयन बैटरी हमारी यूज़ होती है। उसके बाद आप लोग आगे आते हैं कि आखिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी कार के अंदर जो भी अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें किस तरह से हम लोग उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी आउट कर देंगे और उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट पोर्शन, दैट इज़ इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड आता है आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्ड हमारा है चेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स। फोर्थ हमारा पैसिव सेफ्टी। फिफ्थ इज़ द ड्राइवर असिस्टेंस। दैट इज फर्स्ट इज़ द इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स, चेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स, पैसिव सेफ्टी, ड्राइवर असिस्टेंस, पैसेंजर कंफर्ट, इंटरटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड कॉकपिट सिस्टम। ये हम लोगों को देखना है जो कि ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डोमेन्स इन ऑटोमोटिव फील्ड में हम लोग क्लासीफाइड करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट आते हैं पहले टॉपिक पर जिसमें आपका आता है इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट इज़ द इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है और किस तरह से काम करता है इसको हम लोग देखते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट इन ऑटोमोबाइल, इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहे थे। इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज़ द इंजन कंट्रोल यूनिट, दैट इज़ ECU। इंजन कंट्रोल डिमांड्स वन ऑफ द हाइएस्ट रियल टाइम डेडलाइंस एज द इंजन इट्सेल्फ इज़ अ वेरी फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल। ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स इन एनी कार, द कंप्यूटिंग पावर ऑफ द इंजन कंट्रोल यूनिट इज़ द हाइएस्ट, टिपिकली अ 32-bit प्रोसेसर। इसमें जो मॉडर्न कार में हैव अप टू 100 ECU एंड अ कमर्शियल व्हीकल अप टू 40। तो इसमें कौन कौन से हम लोग फंक्शन यूज़ होते हैं आपका ECU में, दैट इज़ यहाँ पर आपका। तो अगर डीजल इंजन की बात करते हैं तो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन रेट यूज़ करते हैं, दिस इज़ द फ्यूल इंजेक्शन रेट। आप यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि फ्यूल इंजेक्शन रेट किस तरह से होता है। फ्यूल इंजेक्शन एक्चुअली क्या है हमारा, इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल इन इंटरनल कम्बशन इंजन और मोस्ट कॉमनली ऑटोमोटिव इंजन है बाय द मीन्स ऑफ एन इंजेक्टर। ऑटोमोबाइल्स आप पढ़ेंगे 8th semester में तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इमिशन कंट्रोल, दैट इज़ यहाँ पर NOx NOx कंट्रोल। फिर हम लोग यूज़ करते हैं रीजनरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन कैटलिक कन्वर्टर, दिस इज़ द कैटलिक कन्वर्टर है जो कि यूज़ किया जाता है। टर्बो चार्जर कंट्रोलर, दिस इज़ द टर्बो चार्जर कंट्रोलर जो कि क्या है बेसिकली आपका टर्बाइन ड्रिवन है जो कि फोर्स इंडक्शन डिवाइस दैट इंक्रीज एन इंटरनल कम्बशन इंजन एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट बाय फोर्सिंग एक्स्ट्रा कंप्रेस्ड एयर जो यूज़ करते हैं। कूलिंग सिस्टम कंट्रोल एंड थ्रॉटल कंट्रोल, तो दीज आर द इन अ डीजल इंजन के अंदर जो हो गया पहला फ्यूल इंजेक्शन रेट, इमिशन कंट्रोलर, रीजनरेशन, टर्बो चार्जर, कूलिंग सिस्टम कंट्रोल एंड थ्रॉटल कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका इन गैसोलाइन इंजन की बात करते हैं, तो इन गैसोलाइन में आपका यूज़ होता है लैम्डा कंट्रोल सिस्टम, दैट इज़ एयर फ्यूल रेशियो उसको बोलते हैं AFR, इज़ द मास रेशियो टू सॉलिड लिक्विड और गैसियस फ्यूल जो कि रिप्रेजेंट
इन अ कम्बशन प्रोसेस और द कम्बशन मे टेक प्लेस इन अ कंट्रोल मैनर सच एज इन इंटरनल कम्बशन इंजन जिसको हम लोग बोलते हैं आई सी इंजन्स, इसमें यूटिलाइजेशन होता है। ओ बी डी हमारा क्या है, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम जो कि यूज़ करते हैं। ओ बी डी इज़ द ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम इज एन ऑटोमोटिव टर्म रिफरिंग इन अ वैक्यूल सेल्फ आपका डायग्नोस्टिक एंड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो हमारी कार है या कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो उसमें जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन यूटिलाइजेशन करेंगे हमारा जो व्हीकल है उसकी परफॉर्मेंस और करेक्टरिस्टिक्स जो होगा उतनी ज़्यादा इन्हांस होगी। कूलिंग सिस्टम कंट्रोल होगा, इग्निशन सिस्टम कंट्रोल होगा, लुब्रिकेशन सिस्टम कंट्रोल होता है जो कि ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पर ही बेस्ड हो पाता है। तीसरा लुब्रिकेशन जो कि एक प्रोसेस होता है जिसमें यह टेक्निक होती है बाय यूजिंग लुब्रिकेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर एंड टीयर इन अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसिस के बीच में। फ्यूल इंजेक्टर रेट कंट्रोल यूज़ करते हैं हम लोग और थ्रॉटल कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द इन गैसोलाइन इंजन, फर्स्ट हो गया हमारा इन डीजल इंजन, सेकेंड हो गया हमारा गैसोलाइन इंजन। तो मैनी मोर इंजन पैरामीटर्स होते हैं जो कि एक्टिवली मॉनिटर होते हैं और कंट्रोल होते हैं इन रियल टाइम में। ये सब लोग कंट्रोलिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू कंट्रोल करने की बात की जा रही है यहाँ पर। और देर आर द 20 to 50 मेजर प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लोज, इंजन स्पीड, ऑक्सीजन लेवल और एनओएक्स लेवल प्लस अदर पैरामीटर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स विद इन द इंजन। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ऑल दीज सेंसर सिग्नल। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए कि ऑल दीज सेंसर सिग्नल्स आर सेंट टू कहाँ पे, ECU में जाता है, दैट इज़ हमारा यहाँ पर इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन यूनिट इंजन विच हैज़ टू लॉजिक सर्किट टू द एक्चुअल कंट्रोलिंग। कहाँ विच हैज़ टू लॉजिक सर्किट टू डू द एक्चुअल कंट्रोलिंग, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है। द ECU आउटपुट इज़ कनेक्टेड टू अ डिफरेंट एक्चुएटर्स फॉर थ्रॉटल वॉल्व। एक्चुएटर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे जिसमें सेंसर और ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर एक्चुएटर्स के बारे में उसमें डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। एक्चुएटर्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है, किस तरह से काम करते हैं, और बेसिकली बात करते हैं कि एक्चुएटर हमारा एक ऐसा कंपोनेंट है, इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ मशीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इन्वॉल्विंग। एक्चुएटर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मशीन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग अ मैकेनिज्म या सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ वॉल्व और अ थ्रॉटल वॉल्व, ईजी आर वॉल्व रैक दैट इज़ इन अ VGT हमारा वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर यूज़ करते हैं। फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम जिसमें कि हम लोग पल्स विद मॉड्यूलेटेड सिग्नल और डोजिंग इंजेक्टर और भी हम लोग यूज़ करते हैं। देर आर अबाउट 20 to 30 एक्चुएटर्स जो होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं यूज़ हो पाते हैं। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट इज़ द इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोगों ने समझा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स ना से पता लगा दैट इज़ योर ट्रांसमिशन यानी दीज कंट्रोल्स ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, मेनली द शिफ्टिंग ऑफ गियर्स, जैसे हम लोग गियर्स को चेंज करते हैं दैट इज शिफ्टिंग ऑफ द गियर फॉर बेटर शिफ्ट कम्फर्ट एंड टू लोअर टॉर्क इंटरैप्ट वाइल शिफ्टिंग, यानी गियर की शिफ्टिंग पोजिशंस को ट्रांसमिशन, जब तक गियर बदलेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तभी हमारा क्या होगा ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है वो वर्कआउट करता है। तो इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करें, दैट इज़ योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। दिस वन इज़ योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यानी आपको गियर चेंज जो होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जो कि हमारा ऑटोट्रॉनिक्स पोर्शन के अंतर्गत आता है। तो क्या है ऑटोट्रॉनिक्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, इस कॉल्ड ऑटो या सेल्फ शिफ्टिंग ट्रांसमिशन जो कि गियर पोजीशन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि एनी स्पीड ऑटोमेटिक या AT शॉर्ट फॉर्म है इज़ अ टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स ट्रांसमिशन दैट ऑटोमेटिकली चेंज इन गियर रेशियो टू कहाँ पर गियर रेशियो एज द व्हीकल मूव, जैसे कि हम लोग फर्स्ट गियर सेकेंड थर्ड गियर फोर्थ गियर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा वो हमारा ये चेंज आउट हो जाएगा। एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ मोटर व्हीकल ट्रांसमिशन दैट ऑटोमेटिकली चेंज द गियर रेशियो एज द व्हीकल मूव्स, मीनिंग दैट द ड्राइवर डज नॉट हैव टू शिफ्ट द गियर मैनुअली, ये मैनुअली हमें नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑटोट्रॉनिक्स में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए डेवलपमेंट के लिए। तो यूज़ कंट्रोल ऑफ देयर ऑपरेशन एंड ऑल्सो मैनी सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हैविंग अ फुली ऑटोमेटिक
क्लच एंड सेमी ऑल्सो क्लच जो है यूज़ किया जा रहे हैं आजकल। और बेसिकली बात करते हैं द इंजन कंट्रोल यूनिट जिसको हम लोग ECU बोलते हैं एंड द ट्रांसमिशन कंट्रोल एक्सचेंज मैसेज सेंसर सिग्नल किसके थ्रू हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर सारा चीज़ें जो कंट्रोल हो रहा है वो सिग्नल्स सेंसर सिग्नल और कंट्रोलर सिग्नल जो होते हैं ये ऑपरेट कर रहे हैं। जो इंजन कंट्रोल यूनिट था हमारा और ट्रांसमिशन कंट्रोल एक्सचेंज था इनका जो मैसेज है जो इनका इंफॉर्मेशन सिग्नल सिस्टम है वो जो हो रहा है हमारा सेंसर सिग्नल्स और कंट्रोलर सिग्नल्स आपस में परफॉर्म कर रहे हैं। कौन परफॉर्म कर रहा है? सेंसर सिग्नल और कंट्रोलर सिग्नल जो है वो ऑपरेशन को ये परफॉर्म कर रहे हैं और देर ऑपरेशंस। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट इज दैट इज़ द इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने समझा और फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझा जिसमें कि हम लोग ऑटोमेटिक गियरिंग सिस्टम को समझा हमने। थर्ड हम लोग आते हैं दैट इज़ द चेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। क्या है चेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स? तो चेसिस सिस्टम बेसिकली जो होता है फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द चेसिस सिस्टम हैज़ अ लॉट ऑफ सब सिस्टम जिसमें कि मॉनिटर वेरियस पैरामीटर्स और एक्टिवली कंट्रोल सिस्टम यूज़ होते हैं। तो यानी चेसिस सिस्टम के अंदर हमारा आएगा पहला ABS दैट इज़ इसको हम लोग बोलते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ABS बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कारों में ABS सिस्टम यूज़ होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो कि सेफ्टी के प्रॉस्पेक्टिव से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS इज़ अ सेफ्टी एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम जो कि यूज़ होता है इन एयरक्राफ्ट एंड ऑन लैंड व्हीकल्स में। ACR या TCS हमारा क्या है? एंटी स्लिप रेगुलेशन है जो कि जिसको हम लोग एक्चुअली क्या है एयर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो नोन एज ASR इज़ अ टिपिकली सेकेंडरी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक में या कंट्रोलिंग की बात करें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है BAS यानी ब्रेक असिस्ट सिस्टम जो कि इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट सिस्टम EBA या ब्रेक असिस्ट है जो कि जेनरिक टर्म है ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का जो कि इंक्रीज द ब्रेकिंग प्रेशर ऑन इन इमरजेंसी में बढ़ जाए। फिर नेक्स्ट है EBD दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ पे देखिए वर्ड यहाँ पे आप समझ सकते हैं ऑटोट्रॉनिक के अंदर हमने बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के यूटिलाइजेशन की यानी जो भी कंट्रोलिंग एंड फंक्शनिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कंट्रोलिंग की बात करें तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि वर्ड जो इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज़ योर EBD दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है EDC दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर कंट्रोल सिस्टम दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर कंट्रोल सिस्टम जो कि एन एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम होता है इज अ टाइप ऑफ ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑन अ व्हीकल और इट यूजेज अ ऑन बोर्ड सिस्टम टू द कंट्रोल द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल व्हील्स रिलेटेड टू द चेसिस या व्हीकल बॉडी रादर देन पैसिव सस्पेंशन सिस्टम। तो एक पूरा फ्रेम ऑफ नेटवर्क होता है जिसमें कि हम लोग इसको देखते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल स्लिपरी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP ये भी आपने सुना होगा ESP के बारे में दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम जो कि रिफर करते हैं एज अ डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम इज़ अ कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स अ व्हीकल्स स्टेबिलिटी बाय डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग लॉस ऑफ ट्रैक्शन व्हेन ECS डिटेक्ट लॉस ऑफ स्टीयरिंग कंट्रोल जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ETS दैट इज़ योर जैसे बताए अट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यानी TCS आर नोन एज ACR जिसको हमने प्रीवियस में पढ़ा था। इस इज़ अ टिपिकली सेकेंडरी फंक्शन होता है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। देखिए यहाँ पे साफ से इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ECS ऑन द प्रोडक्शन मोटर व्हीकल्स जो कि डिजाइन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ट्रैक्शन ऑफ ड्रिवन रोड व्हील्स TCS इज एक्टिवेटेड एंड व्हेन थ्रॉटल इनपुट एंड इंजन टॉर्क आर मिसमैच्ड तो इसको कंट्रोल करता है दैट इज ETS एंड P इज द नॉर्मल दैट इज योर पार्किंग एसेंस। तो फर्स्ट हमने पढ़ा इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, सेकंड पढ़ा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, थर्ड है हमारा दैट इज़ योर चेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर फोर्थ हम लोग देखते हैं कि पैसिव सेफ्टी सिस्टम किस तरह से काम करता है। पैसिव सेफ्टी के सिस्टम की बात करते हैं तो ये सिस्टम जो होते हैं बेसिकली हम लोग ऑलवेज रेडी टू एक्ट एज द फॉर्म ऑफ कोलिजन कंडीशन में इन प्रोग्रेस या टू प्रिवेंट इट व्हेन इट सेंस अ डेंजरस सिचुएशन। तो इसमें आपका आता है एयर बैग हिल डिस्टेंस कंट्रोल इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट सिस्टम जो कि हमने ऊपर देखा था
फिर ड्राइवर असिस्टेंस में आपका आता है लेन असिस्ट सिस्टम, स्पीड असिस्ट सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और पार्क असिस्ट सिस्टम, एडाप्टिव क्रूसी कंट्रोल सिस्टम, दिस इज़ द टेक्नोलॉजी, ACC इज एन अवेलेबल क्रूज कंट्रोल सिस्टम फॉर रोड कंडीशन रोड व्हीकल्स दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा व्हीकल स्पीड को, मेंटेन कर लेगा सेफ डिस्टेंस को फ्रॉम द व्हीकल हेड से, यानी इतनी पर्टिकुलर डिस्टेंस है तो हिसाब से अपने आप को स्पीड को कंट्रोल कर लेगा, एंड प्री कोलिजन असिस्टेंस को स्टेबलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसी के अंदर पैसेंजर कंफर्ट, तो ऑटोमेटिव क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट विद मेमोरी, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेड लैम्प्स, यानी आप यहाँ पे सब देख रहे हैं कि कंट्रोलिंग जो है सब कुछ ऑटोमेटिकली यूज़ किया जा रहा है, ऑटोमेटिक हैंड लैम्प हेड लैम्प्स, एडजस्ट बीम ऑटोमेटिकली, एंड ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम भी, दैट इज़ टेम्परेचर एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाए। फिर नेक्स्ट दैट इज़ एंटरटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा पैसिव सेफ्टी सिस्टम, ड्राइवर असिस्टेंस, पैसेंजर कंफर्ट, एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड कॉकपिट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बात करते हैं, तो एंटरटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है नेविगेशन सिस्टम, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं GPS सिस्टम, जो कि हम लोग यहाँ अब तक तो हर जगह यूटिलाइजेशन होता है, कार्स के अंदर GPS जो होता है वो इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि वो मूवमेंट जो हो वो हम लोग देख सके कि जो व्हीकल है वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, तो दैट इज़ योर नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम इज़ ए कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जो कि दैट एड्स इन नेविगेशन, और नेविगेशन सिस्टम हमारा बेसिकली मे बी इंटायरली ऑन बोर्ड द व्हीकल, कहाँ पर, ऑन द बोर्ड द व्हीकल या वेसल दैट द सिस्टम इज कंट्रोलिंग और लोकेटेड एल्सवेयर, मेकिंग यूज ऑफ रेडियो और अदर सिग्नल ट्रांसमिशन टू कंट्रोल द व्हीकल या वेसल्स में। दिस द नेविगेशन सिस्टम यू हैव ऑलरेडी नोन, दैट इज व्हीकल ऑडियो सिस्टम, दिस इज अ व्हीकल ऑडियो सिस्टम जो कि आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं आप लोग व्हीकल ऑडियो सिस्टम। व्हीकल ऑडियो सिस्टम इज इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन अ कार या अदर व्हीकल टू प्रोवाइड इन अ कार एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन फॉर द व्हीकल ऑक्यूपेंट्स, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंफॉर्मेशन एक्सेस कंडीशन, जो जिसमें हम फ्रीडम ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिटी ऑप्टेन टू मेक यूज ऑफ डेटा बेस या इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, इसका यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ द अबव सिस्टम आर इंफोप्रिंट सिस्टम होता है, और डेवलपमेंट मेथड ऑफ फॉर दीज सिस्टम वेरी अकॉर्डिंग टू द ईच मैन्युफैक्चर, तो अलग अलग कंपनी जो होती है उस हिसाब से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन को जो है वो यूज़ कर रही है इन कार सिस्टम में और कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम में। डिफरेंट टूल्स आर यूज फॉर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज हम लोग पढ़ा इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक, चेसिस इलेक्ट्रॉनिक, पैसिव सेफ्टी सिस्टम, ड्राइवर असिस्टेंस, पैसेंजर कंफर्ट, एंटरटेनमेंट सिस्टम, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड कॉकपिट सिस्टम। तो ये सब चीज़ें जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करें इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन, ये हमारा आएगा ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी हमारा ऑटोट्रॉनिक्स के अंदर, जिसमें कि हम लोग ऑटोमोटिव सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन का यूटिलाइजेशन को समझ रहे हैं, किस तरह से उसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन की यूटिलिटी हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और किस तरह से चीज़ें जो होगी डेवलप हो रही है, फुली डेवलप हो रही है। तो नेक्स्ट आता हमारा दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड कॉकपिट सिस्टम, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉकपिट सिस्टम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बात की जा रही है हाइब्रिड, मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड वर्ल्ड यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हर जगह होने वाला है, तो दीज आर द न्यू जनरेशन हाइब्रिड ECUs, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द न्यू जनरेशन हाइब्रिड ECU दैट कम्बाइंस द फ्रिक्शन लेस ऑफ मल्टीपल ECU ऑफ इन्फॉर्मेंट हेड यूनिट, एडवांस ड्राइविंग ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं ADS, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर कैमरा, पार्किंग असिस्टेंस, सराउंडेड व्यू सिस्टम, एंड दिस सेव्स द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज मैकेनिकल फिजिकल पार्ट्स लाइक इंटर कनेक्टेड अक्रॉस ECU। तो अगर आप कभी अगर कोई कार आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप उसके स्पेसिफिकेशंस में आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है वो आपको हाईलाइट होगा, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या नई जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन के रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो क्या है जिसके थ्रू वो सेलिंग बढ़ सके। तो आप यहाँ देख सकते हो रियर कैमरा यूटिलाइजेशन हो गया, पार्किंग असिस्टेंस हो गया, सराउंडेड व्यू सिस्टम हो गया, दीज आर द पोर्शन। इससे क्या हो रहा है, दिस सेव द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज द मैकेनिकल फिजिकल पार्ट्स लाइक इंटरकनेक्टेड अक्रॉस ECU। देर इज ऑल्सो अ
मोर सेंट्रलाइज कंट्रोल सो डेटा कैन बी सीमलेस एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम. तो देर आर अ कोर्स ऑफ चैलेंजेस टू गिवन एंड गिवन टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम अ लॉट ऑफ मोर राइगर इज नीडेड टू वैलिडेट द सिस्टम ऑफ रोबस्टनेस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेटिव सिस्टम इंफोटेटेंट सिस्टम एप्लीकेशन विच कुड बी रनिंग एन ओपन सोर्स एंड्रॉयड ओएस इज ब्रीज देर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ हैकर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द कार रिमोटली. अगर एंड्रॉयड बेसिस पे होगा तो लोग उसको हैक कर सकते हैं, कार के मूवमेंट को हैक कर सकते हैं एंड पोटेंशली मिस यूज ऑफ द एंटी सोशल एक्टिविटीज़. तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए टिपिकली सो यूजेज द हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इनेबल्ड हाइपर विजर्स. यहाँ पर देखिए हिसाब से इंडिकेशन किया गया रहा है, इससे बचने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इनेबल्ड हाइपर विजर्स आर यूज टू विर्चुअलाइज एंड क्रिएट सेपरेट ट्रस्ट एंड सेफ्टी जोन्स दैट आर इम्यून टू ईच अदर फेलियर्स ऑफ ब्रीच. अ लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग इन दिस एरिया एंड अभी भी इस पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है एंड पोटेंशियली विल हैव सच सिस्टम सून इफ टेक्नोलॉजी. तो जिस तरह से डेवलपमेंट होगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड कॉकपिट सिस्टम में वर्क किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा. फंक्शन सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की बात करते थे, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डेंजरस फेलियर्स सेफ्टी रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड हैव टू डेवलप फॉलोइंग द एप्लीकेशन प्रोडक्ट रिलेबिलिटी रिक्वायरमेंट disregarded for the inadequate application of these standards can lead to only person injuries but also serve legal and economic consequence such as a product cancellation या recalls. तो ये सब फंक्शनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता है जिसमें हम लोग IEC 61508 कोड यूज जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि पल्यूस वाले इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ मेथड ऑफ अप्लाई एंड डिज़ाइन के यूज. यानी आपको पर्टिकुलर कोई कोड दिया जाते हैं जिससे कि आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें स्टैंडर्ड्स होती हैं. सिक्योरिटी फंक्शन की बात करते हैं तो सिक्योरिटी फंक्शन में आपका आता है एज मोर फंक्शन ऑन द ऑटोमोबाइल्स आर कनेक्टेड टू शॉर्ट और लॉन्ग रेंज नेटवर्क. इसमें आपका शॉर्ट और लॉन्ग रेंज नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करते हैं. साइबर सिक्योरिटी होती है सिस्टम के अंदर क्योंकि अगेंस्ट अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. विद अ क्रिटिकल सिस्टम इंजन कंट्रोल ट्रांसमिशन सिस्टम एयर बैग सिस्टम ब्रेकिंग कनेक्टेड टू द इंटरनल डायग्नोस्टिक नेटवर्क से अटैच होता है. रिमोट एक्सेस कुड बी रिजल्ट इन अ मैलिशियस इंट्रूडर अल्टरिंग द फंक्शन ऑफ द सिस्टम या डिसएबलिंग देम पॉसिबली कॉजिंग इंजरी और फैटलिटीज. एवरी न्यू इंटरफेस प्रेजेंट इन अ न्यू अटैक सर्फेस द सेम फैसिलिटी दैट अलाउज द ऑनर टू अनलॉक एंड स्टार्ट अ कार फ्रॉम स्मार्टफोन ऐप ऑल्सो प्रेजेंट रिस्क ड्यू टू रिमोट एक्सेस. रिमोट एक्सेस में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी उसको एलिब्रेट किया जा रहा है और सेफ्टी फीचर्स की यहाँ पर बात की जा रही है. तो ऑटो मैन्युफैक्चर में भी प्रोटेक्ट द मेमोरी ऑफ वेरियस कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर जो कि हमने आपको बता चुके हैं माइक्रो प्रोसेसर कितना इंपॉर्टेंट है बोथ द सिक्योर देम फ्रॉम अनऑथोराइज चेंजेस may also and also to ensure only manufacturer authorized facilities can be diagnose or repair the vehicle such systems as keyless entry. This is a new thing that is keyless entry. This is the smart entry system as an electronic lock that controls access to building a your vehicle without using traditional mechanical key. So isko aap samajh sakte hain keyless entry relay ऑन क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक पर काम हो रहा है टू इंश्योर द रीप्ले या मैन इन द मिडिल अटैक अटैक कैन नॉट बी रिकॉर्डेड सीक्वेंस और अलाउड लेटर ब्रेक इन द ऑटोमोबाइल. तो दीज आर द वेरियस फंक्शन जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ऑटोमोटिव सिस्टम या आपका ऑटोट्रॉनिक सिस्टम जिसमें कि हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूटिलाइजेशन करके उसके फीचर्स और उसकी स्पेसिफिकेशन को डेवलप कर रहे हैं उसको उसके उसको हाई लेवल तक लेके जा रहे हैं. तो इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं और किस किस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं हमने आपको बताया कि इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पर ट्रांसमिशन पर चेसिस इलेक्ट्रॉनिक पर पेसिस सेफ्टी ड्राइवर असिस्टेंस
पैसेंजर कंफर्ट पोजीशन पर, इंटरटेनमेंट सिस्टम पर, और इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड कॉकपिट सिस्टम, फंक्शन सेफ्टी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पर स्टडी आउट किया जा रहा है। तो फ्यूचर में जो है वो ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, और ज़्यादा से ज़्यादा कारों के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन को डेवलप करके सारे फीचर्स को जो है वो ऑटोमेटिकली करने की कोशिश कर रहे हैं।